आदाब, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। चंद्रशेखर पर हमले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर 21 जुलाई को दिल्ली में प्रदर्शन होगा। मोदी सरनेम केस, सजा पर रोक के लिए राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। दिल्ली के कई इलाकों में अगले कुछ घंटों में होगी बारिश, आईएमडी। यमुना नदी में उतर रहा पानी, शाम 4 बजे जलस्तर 207.7 पहुंचा। दिल्ली में घट रहा यमुना का जलस्तर शाम 4 बजे 207.7 मीटर हुआ दर्ज। ईडी ने निष्कासित टीएमसी नेता कुंतल घोष, शांतनु बनर्जी की कई संपत्तियां कुर्की। हिमाचल प्रदेश में आसमान से बरसती तबाही, कुल्लू में बादल फटा, 4000 करोड़ रुपए का नुकसान। कनाडा में हरदीप सिंह निजर की हत्या से क्यों बढ़ा भारत के साथ तनाव। सागर, सरकारी रिकॉर्ड में जिंदा किसान मृत घोषित, सबूत लेकर दफ्तरों के काट रहा चक्कर। फिल्मों में एंट्री लेगी सलमा आगा की बेटी, साउथ के इस सुपरस्टार के साथ करने जा रही है डेब्यू। फरीदाबाद पुलिस ने नाइजीरिया ड्रग्स तस्कर को किया गिरफ्तार, 25 लाख रुपए की कीमत की ड्रग्स बरामद। हेट स्पीच मामले में सपा नेता आजम खान को 2 साल की सजा। विंबलडन के 146 साल पुराने सख्त ड्रेस कोड में बदलाव, क्या कह रही है महिला खिलाड़ी। केपी एक्सप्रेस में इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।